सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत दो पायदान और लुढ़का, नेपाल भूटान से भी पिछड़ा। भारत में फैली कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरती जा रही है। इसके साथ ही देश में बेरोजगारी और गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रभाव गरीब और मध्यम वर्गीय तबके पर ज्यादा पड़ रहा है। इसी बीच अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में SDG रैंकिंग में भारत दो पायदान नीचे आ गया है। दरअसल साल 2015 में UN सदस्य देशों ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्वीकार किया था। साल 2030 तक इन गोल्स को पूरा करने का एजेंडा भी तय किया गया था। बताया जा रहा है कि UN के सदस्य देशों की तरफ से स्वीकार किए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत अब 117वें नंबर पर पहुंचा है, जबकि बीते साल भारत 115वें नंबर पर था। बताया जाता है कि भारत का रैंक 4 दक्षिण एशियाई देशों से भी नीचे आ चुका है। ये 4 देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है, इमेज मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट में व्यस्त केंद्र सरकार की वजह से हमारे देश की रैंकिंग अब नेपाल भूटान से भी नीचे। हमारी केंद्र सरकार की रैंकिंग केवल एक मामले में दुनिया में नंबर 1 होगी, राज्य की चुनी हुई सरकारों से लड़ने में, उनके काम में टांग गराने में। आपको बता दें कि देश के राज्य की तैयारियों को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें झारखंड और बिहार साल 2030 तक SDG को पूरा करने के लिए सबसे नीचे है, लेकिन भारत के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश SDG हासिल करने के राह में अग्रसर है, जिसमें केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का नाम शुमार है।